कि सिर्फ एक हकीकी जमहूरियत आपके मुस्तकबिल को बचा सकती है। तालिब इल्मों, जो आप में से समझते हैं कि हम पढ़ लिख के बाहर नौकरियां करने चले जाएंगे, मैं वो पाकिस्तानी हूं जो बाहर रहा भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, और बरतानिया में शायद ही किसी बरतानिया ने किसी पाकिस्तानी को ऐसा अपनाया हो जैसे उन्होंने मुझे अपनाया था। और सुने मेरी बात, लेकिन जितना भी वो कहे, और मार्गरेट थैचर ने मुझे एक दफा कहा कि इमरान इसको बरतानियों को अपना घर समझो, लेकिन मैं जो मर्जी कर लेता, मैं इमरान खान पाकिस्तानी था, मैं अंग्रेज नहीं बन सकता था। जो भी ये समझता है कि वो ये मुल्क से बाहर चला जाएगा, रोजी तो कमा लेगा, पैसे भी बना लेगा, वहां माहौल अच्छा है, पैसे भी बन जाएंगे, रोजी भी कमा लेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनमें से उनके हालात क्या है। मैं जानता हूं, पहले तो कभी भी मैं तालिब इल्म हूं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तानी बनने से शर्म ना आए आपको, कभी अमेरिकन या अंग्रेज बनने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर आप गधे के ऊपर लकीरें डाल दें वो जेबरा नहीं बन जाता, गधा गधा रहता है, गधा ही बनना चाहता है जेबरा। जितनी खुददारी आप में होगी, जितनी पाकिस्तानियत और आपको अपने पाकिस्तानियत में फखर होगा, उतनी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। मेरी सिर्फ आखिर में तलाक इसलिए हुई कि मेरी बीवी यहां नहीं रह सकती थी, वो इसलिए नहीं रह सकती थी कि वो बेचारी मुसलमान होकर यहां ही उसको यहूदी बना दिया, उसके बाद डीजल जैसे लोगों ने और नवाज शरीफ ने, फिर जब भी इलेक्शन हो उस बेचारी के पीछे पड़ जाए, वो आखिर में दिल छोड़ गई तो वो मुझे बार बार कहती थी कि तुम क्यों नहीं वहां के रहते, तुम मेरे साथ उधर और कभी कभी पाकिस्तान आ जाओ, किस चीज की तुम्हें कमी है, और कहती तुम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं कामयाब हो सकते, तुम बहुत सीधे हो। मैं उसको कहा कायदे आजम भी बहुत सीधे थे। बहरहाल आखिर में हमें अलहदा होना पड़ा, क्योंकि मैं वहां नहीं रह सकता था, वो यहां नहीं रह सकती थी। तो मैं आपको सिर्फ मेरी बात सुनो, कभी भी ये ना समझना कि आप बाहर चले जाएंगे और आपकी जिंदगी में शहद और दूध की नहरें बहेंगी, आप थोड़ी देर के बाद आपको अपना घर याद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी आप सर उठा के फिर नहीं सकेंगे जैसे आप अपने मुल्क में फिर सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बाहर ना जाएं, पढ़ाई ना करें, लेकिन याद रखें आखिर में इस मुल्क को आपने ठीक करना है।